नमस्कार दोस्तों, आप जो टिकट मेरे हाथ पर देख रहे हो ये मैंने किसी और रेलवे स्टेशन से कराया है और अब मुझे ट्रेवल नहीं करना है। तो सवाल यहाँ पर ये आता है कि इसको कैंसिल कराने के लिए मुझे उसी रेलवे स्टेशन पर जाना पड़ेगा या फिर आप किसी भी स्टेशन से करा सकते हो। इस प्रकार के आपके भी क्वेश्चन हो सकते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पहले मुझे भी आते थे, तो आज मैं आपको कम्प्लीटली डिटेल से बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। तो देखिए दोस्तों, इंडिया के किसी भी रेलवे काउंटर से अगर आप टिकट लेते हो और आपको ट्रेवल नहीं करना है तो आप किसी भी रेलवे स्टेशन से कैंसिल करा सकते हो। कोई भी काउंटर वाला ये नहीं बोलेगा कि मैं कैंसिल नहीं करूँगा, वो कैंसिल कर देगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। लेकिन आपको क्या करना है मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले जहाँ से जिस भी रेलवे काउंटर से आपको कैंसिल कराना है अपनी टिकट को, सबसे पहले तो आपको इस प्रकार का फॉर्म लेना है। इसके बाद से यहाँ पर ऊपर की तरफ कैंसिलेशन लिखना है और इसके बाद से आपको पूरी की पूरी डिटेल्स इस पर फिल करना है। कौन सी डिटेल्स फिल करनी है? जो आपने ये वाली टिकट रिजर्वेशन करते टाइम फिल किया था, सेम टू सेम वही डिटेल्स आपको इस पर फिल करना है। इसके बाद से आपकी जो ओरिजिनल टिकट है इसको साथ में लेकर और अपने काउंटर में दे देना है। तो जो भी कैंसिलेशन चार्ज होगा 60 रुपये करके, उसको कट करके और बाकी का रिफंड आपको हाथों हाथ दे देगा। इस प्रकार से आप अपनी काउंटर की टिकट को किसी भी रेलवे काउंटर से कैंसिल करा सकते हो और अपना रिफंड आप तुरंत से ले सकते हो। और दूसरी बात, अगर आपके पास काउंटर का टिकट है तो आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। अब ये फैसिलिटी आ चुकी, आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन ही काउंटर की टिकट को कैंसिल कर सकते हो PNR नंबर डाल के। अगर आपने अपने रिजर्वेशन के टाइम में मोबाइल नंबर लिंक कराया होगा तो, क्योंकि आप जब ऑनलाइन इसको कैंसिल करोगे तो OTP कैंसिल के टाइम में इसी मोबाइल नंबर पर आएगी। लेकिन बशर्त ये है कि जब आपकी टिकट ऑनलाइन कैंसिल हो जाएगी तो जो रिफंड है आपको जहाँ से आपने रिजर्वेशन कराया था, रिफंड आपको उसी रेलवे स्टेशन से मिल जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है कि जो आपकी ओरिजिनल टिकट है वहाँ पर लेके जाना है, वो लोग PNR नंबर डाल के पूरी डिटेल्स चेक कर लेगा। इसके बाद से हाथों हाथ तुरंत से ही अपना जो भी कैंसिलेशन चार्ज है वो कट हो जाएगा और बाकी का रिफंड आपको तुरंत से मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने काउंटर की टिकट को ऑनलाइन भी कैंसिल करा सकते हो और आप इंडिया के किसी भी रेलवे स्टेशन से अगर आपको करना चाहते हो तो आप वहाँ से भी करा सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपके मन में अभी भी किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।